आई वेलकम यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट नवी। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ के पॉलिटी का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। इसका हम रिवीजन लेक्चर अटेंड कर रहे थे, जिसमें हमने डिस्कस किया पावर शेयरिंग क्या होता है। उसके बाद हमने दो स्टोरी देखा, एक बेल्जियम और दूसरा श्रीलंका के स्टोरी। बेल्जियम में पावर को कैसे शेयर किया, श्रीलंका पावर को कैसे शेयर किया, इन दो चीज़ों को भी हमने देखा। जैसे श्रीलंका में पावर शेयरिंग का पैटर्न मेजोरिटेरियनिज्म का रहा और बेल्जियम में पावर शेयरिंग का पैटर्न एकोमोडेशन का रहा, तो इन दो चीज़ों को हमने देखा है अभी तक। अब जो हमें आगे डिस्कस करना है वो है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल, पावर शेयरिंग इतना ज़्यादा डिज़ायरेबल क्यों है, मतलब हर लोग क्यों चाहते हैं पावर को शेयर करना। और जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो होगा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, मतलब पावर को कितने तरह से शेयर किया जा सकता है, पावर को कितने तरह से शेयर किया जा सकता है। तो ये दो टॉपिक आज हम लोग देखने वाले हैं, एक व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल और दूसरा पावर शेयरिंग के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई होप आपने लास्ट वीडियो अटेंड कर लिया होगा। अगर जब आपने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख लेंगे, आपको लास्ट जो वीडियो है लेक्चर वन के नाम से होगा, ठीक है, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा एक बार, उसके बाद ही ये वीडियो आप स्टार्ट कीजिएगा देखना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। आई होप मेरा ऑडियो आपको अच्छे से सुनाई दे रहा होगा। देखिए, टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन, दो कारण है पावर को शेयर करने का। पावर को शेयर करने का कितना कारण है, दो। पहला, पावर शेयरिंग जो है ना, ये हेल्प करता है कंफ्लिक्ट को खत्म करने में, कंफ्लिक्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, कौन, पावर शेयरिंग। तो सोशल ग्रुप क्या होता है पहले ये समझिए। देखिए, सोशल ग्रुप कहने का मतलब सोसाइटी, जैसे सोसाइटी एक लैंग्वेज वालों की भी हो सकती है, जैसे हिंदी बोलने वालों का एक समाज हो गया, तमिल बोलने वालों का एक समाज हो गया, इंग्लिश बोलने वालों का एक समाज हो गया, या फिर सोसाइटी लैंग्वेज के बेसिस पर भी हो, सोसाइटी रिलीजन के बेसिस पर भी हो सकती है, हिंदू की सोसाइटी, मुस्लिम की सोसाइटी, क्रिश्चियन की सोसाइटी, या फिर सोसाइटी रीजन वाइज भी हो सकता है, जैसे बिहारियों का, यूपी वालों का, पंजाबियों का। इसी तरह एक सोसाइटी बनाने के लिए, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन सब में कॉमन क्या होता है, वो है ग्रुप ऑफ पीपल। क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल। जब तक ग्रुप ऑफ पीपल नहीं मिलेंगे तब तक कोई भी सोसाइटी नहीं बन सकती है। तो कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल अगर लैंग्वेज के बेसिस पर अपना ग्रुप बनाता है, या लोग रिलीजन के बेसिस पर, या स्टेट के बेसिस पर, स्टेट कहिए या फिर क्षेत्र कहिए, क्षेत्र मतलब रीजन है ना, तो इनमें से किसी भी बेसिस पर अगर ग्रुप बनाता है लोग, तो उसको हम कहेंगे सोशल ग्रुप। क्या कहेंगे उसको हम, सोशल ग्रुप। तो इस सोशल ग्रुप में कंफ्लिक्ट को खत्म करता है ये जो पावर शेयरिंग है ना, पावर शेयरिंग ये क्या करता है, सोशल ग्रुप में कंफ्लिक्ट को खत्म करता है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ भी है यहाँ पर कि सोशल कंफ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस। सोशल कंफ्लिक्ट से क्या होता है, वायलेंस होता है, और जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, जैसे कि कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ये सही से काम नहीं कर पाता है, कब काम नहीं कर पाता है, जब कंफ्लिक्ट हो, जब वायलेंस हो, ठीक है। तो मान लीजिए देश का जनता ही लड़ता रहेगा तो नेता कैसे अपना काम करेगा, ठीक है। तो पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर
ओके, गेट बैक टू आवर टॉपिक, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया था। सुनिए, तो जब जनता ही आपस में लड़ता रहेगा तो कैसे गवर्नमेंट अपना काम करेगा, है ना? तो इसके लिए क्या जरूरी रहता है कि आप पावर शेयरिंग अच्छे से करिए ताकि जनता में झगड़ा ना हो। जनता में झगड़ा नहीं होगा तो पॉलिटी आराम से चलेगा, यानी कि देश का गवर्नमेंट आराम से चलेगा, ठीक है? अब इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स मे लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन। अब देखो, अगर कुछ देर के लिए देखा जाए ना, तो कुछ देर के लिए मेजोरिटी कम्युनिटी जो है ये अगर अपना मनमाना काम करे तो थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन अगर लॉन्ग रन में देखा जाए तो देश के लिए ज्यादा, देश की यूनिटी के लिए खतरे वाली बात है। खतरे वाली बात इसलिए है कि देखिए, जो माइनॉरिटी में है आप उसको कुछ टाइम निगलेक्ट कीजिएगा तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन हर काम में उसको मना करने लगिएगा, हर काम में उसको निगलेक्ट करिएगा तो कभी ना कभी वो आपसे आपसे जवाब मांगेगा, वो आपसे झगड़ा करेगा, तो सिविल वॉर जैसे सिचुएशन बनेंगे वहां पर, ठीक है? तो मेजोरिटी का बात मानना ठीक है, लेकिन हर बार मेजोरिटी का बात मानिएगा तो वो काम नहीं आएगा। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। तो कैसे बचेंगे? पावर शेयरिंग करके बचेंगे। कैसे बचेंगे? पावर शेयरिंग करके। अब आगे क्या लिख रहा है, देखिए आगे क्या लिख रहा है यहां पर। टायरनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग्स रुइन टू द मेजोरिटी एज वेल। अब ज्यादा अगर अत्याचार करने लगे ना मेजोरिटी, तो माइनॉरिटी के लिए तो प्रॉब्लम वाला बात है ये है, लेकिन मेजोरिटी के लिए भी प्रॉब्लम वाला बात है। क्यों? क्योंकि सिविल वॉर जैसे चांसेस होंगे वहां पर। तो पहला पावर शेयरिंग का रीजन क्या हुआ कि पावर शेयरिंग करने से कंफ्लिक्ट खत्म होता है, पावर को शेयर करने से झगड़ा नहीं होता है। जैसे आप है, आपका भाई है, अगर दोनों को खाना बराबर बराबर मिले तो झगड़ा नहीं करेगा, लेकिन बार बार एक को कम खाना एक को ज्यादा मिलेगा तो एक ना एक दिन तो बोलवे करेगा ना। तो उसी तरह जब देश में सब नेता है तो सबको कुछ ना कुछ पावर दीजिए, जनता है जनता को कुछ ना कुछ पावर दीजिए, तो देश में जितना भी सोशल ग्रुप है सबको कुछ ना कुछ पावर दीजिए, नहीं मिलेगा तो आज ना कल वो बोलेगा ही बोलेगा, ठीक है? अब दूसरा रीजन क्या है पावर शेयरिंग करने का, द डीपर रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसीज। अब दूसरा रीजन क्या है, दूसरा कारण ये है कि पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी को जिंदा रखता है, डेमोक्रेसी को बनाए रखता है, ठीक है? जब तक पावर सब लोगों के हाथ में रहेगा, बटा रहेगा, तब तक राजा वाला सिस्टम या डिक्टेटरशिप वाला सिस्टम या एरिस्टोक्रेसी वाला सिस्टम नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर वही पावर किसी एक आदमी के हाथ में चल जाए, या पावर कुछ अमीर लोगों के हाथ में चल जाए, या पावर डिफेंस के हाथ में चला जाए, आर्मी के हाथ में चला जाए, तब वहां पर क्या होगा, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा। तो पहला कंफ्लिक्ट सॉल्व करने के लिए और दूसरा डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए। तो डेमोक्रेटिक रूल में क्या होता है कि पावर शेयर किया जाता है जनता के साथ और नेता के साथ, और पीपल को राइट दिया जाता है कि वो खुद डिसाइड करे कि उनको जो गवर्न करेगा वो कैसा होगा। मतलब हमारे हाथ में दे दिया गया है कि सरकार आप चुनिए, ठीक है? अब लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होता है, तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट एक वैसा गवर्नमेंट है जहां पर जो सिटीजंस है ना, ये सिलेक्ट करेगा गवर्नमेंट को, जहां पर जनता सिलेक्ट करेगी गवर्नमेंट को, वैसे सरकार को, वैसी गवर्नमेंट को हम कहते हैं लेजिटिमेट गवर्नमेंट। जहां जनता चुने अपना सरकार, उसे हम कहते हैं लेजिटिमेट गवर्नमेंट। क्या कहते हैं? लेजिटिमेट गवर्नमेंट। आपको वोटिंग राइट मिला है ना, तो आपको वोटिंग राइट मिला है मतलब आप अपना नेता खुद चुन सकते हैं, तो जितना भी गवर्नमेंट है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। अब जो पहला वाला सेट था रीजन का, उसको हम प्रूडेंशियल कहेंगे, जो पहला रीजन दिए ना हम कि झगड़ा नहीं होगा, उसको हम प्रूडेंशियल कहेंगे। प्रूडेंशियल मतलब होता है प्रूडेंस पर आधारित होना,
यानी कि गेन्स लॉस इन सब चीजों को देख कर चलना कि क्या गलत हो रहा है सोसाइटी में, क्या सही हो रहा है। जैसे देखो मारपीट होगा तो वो अच्छा नहीं है ना सोसाइटी में, कि जनता आपस में लड़ रहा है, तो क्या गलत है, किसके साथ गलत हो रहा है, क्या सही है ना। इन चीजों को जब आप देख कर चलते हो तो उसको प्रूडेंशियल कहा जाता है। तो प्रूडेंशियल रीजन हो गया पहला, यानी कि सही और गलत का फैसला करके पावर को शेयर किया जाएगा ताकि कंफ्लिक्ट खत्म हो सके। और दूसरा जो कारण है उसको मोरल कहा जाएगा, दूसरा कारण को मोरल कहा जाएगा। मोरल कहने का मतलब कि कहने के लिए ठीक है लेकिन प्रैक्टिकल में अच्छा नहीं है। आप खुद सोचो कि पावर शेयरिंग इतना है तो क्या सही में डेमोक्रेसी है? अभी भी इक्वालिटी है मेल फीमेल में? अगर इक्वालिटी है तो बताओ कि इक्वल जितना मेल नेता है उतना फीमेल नेता क्यों नहीं है? जितना मेल टीचर का सैलरी है उतना फीमेल टीचर का क्यों नहीं है? जितना मेल को जॉब अपॉर्चुनिटी है उतना फीमेल को जॉब अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं है? तो मोरल है, कहने के लिए है, ठीक है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उतना ज्यादा नहीं चलता है। जरूरी थोड़ी ना है कि पावर शेयरिंग कर दिए तो डेमोक्रेसी होगा ही होगा, ठीक है। व्हाइल प्रूडेंशियल रीजंस स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स, प्रूडेंशियल ये कहता है कि पावर शेयरिंग से हमेशा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मोरल रीजंस एम्फेसाइज इस चीज पर करता है कि जो पावर शेयरिंग हम कर रहे हैं वो वैल्यूएबल होना चाहिए, मतलब इसका कोई वैल्यू होना चाहिए, बहुमूल्य होना चाहिए। अब बात करते हैं हम पावर शेयरिंग के फॉर्म्स की। आई होप आपको समझ में आया हो कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। पावर शेयरिंग दो कारण से जरूरी है, एक झगड़ा खत्म करता है सोशल ग्रुप्स के बीच, और दूसरा डेमोक्रेसी को बनाए रखता है, मेंटेन करता है। तो अगर आपको पहले वाले टॉपिक में कोई डाउट है तो आपको 2 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का, आप उसमें बताइए, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ रहा हूँ। किन्हीं को कोई डाउट नहीं है तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे क्या लिख रहा है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग मतलब कितने तरह से पावर को हम बांट सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शन, जो आइडिया है ना पावर को शेयर करने का, ये तब निकला जब पॉलिटिकल पावर बटा हुआ नहीं था। जैसे देखिए, आप दो सिचुएशन सोचिए, एक में जहां पे पावर बटा हुआ है, एक में जहां पे पावर बटा हुआ नहीं है। तो एक तो मोनार्की ले लीजिए, एक तो डेमोक्रेसी ले लीजिए। मोनार्की में पावर राजा के पास होता है और डेमोक्रेसी में पावर जनता के पास होता है। तो राजा वाले सिस्टम में अगर राजा का बेटा कुछ गलती करेगा तो राजा अपना बेटा को तो सजा नहीं देगा, लेकिन डेमोक्रेसी वाला सिस्टम में गलती कोई भी करे सजा उसको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो पावर शेयरिंग यहीं से आया कि पावर अगर किसी एक ठो के पास रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा, तो एक काम करो पावर को बांट दो। काफी लंबे टाइम तक ऐसा माना जाता था ना कि एक ही आदमी के पास पावर होना सही है। 10 ठो आदमी के पास पावर होगा ना तो बहुत लेट करेगा डिसीजन लेने में, बहुत लेट करेगा अपना डिसीजन को लागू करने में। तो यही अच्छा है कि एक के आदमी के पास पावर रहे ताकि वो आराम से डिसीजन ले सके, तुरंत डिसीजन ले और तुरंत अपना काम खत्म करे, ठीक है। तो लोग का यही मानना था कि पावर सबके पास बढ़ जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा डिसीजन लेने में। देखते नहीं हो, जैसे पार्टी का प्लान हुआ कि चलो घूमने चलते हैं, तब जितना ज्यादा दोस्त लोग है तो सब बोलेगा कि यहाँ चलते हैं, वहां चलते हैं, वहां चलते हैं, अब बस प्लान बनता रह जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप अकेले हो तो आपको कहीं घूमने का मन किया तो अपना बुढ़िया बिस्तर उठाए चल दिए, ठीक है। तो यही चीज कह रहा है कि काफी वक्त तक लोग को लगता था कि एक आदमी के पास पावर रहेगा तो फैसला लेने में
उसको इन्फोर्स करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे लोग डेमोक्रेसी को समझने लगे तो लोग को समझ में आया कि ऐसा नहीं है, पावर जितना ज्यादा लोगों के पास होगा उतना ज्यादा अच्छे तरीके से सेल्फ गवर्नमेंट बनेगा। यानी कि पावर अगर जनता को दीजिएगा ना तो जनता खुद से खुद को रूल करेगा, उसको किसी भी एक एक इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भैया तुम ही रहो, तुम ही पावर को संभालो, नहीं पड़ेगा उसको जरूरत। पावर सब में बांटिए, सबको पावर दीजिए ताकि क्या हो सके, पावर जो है वो कन्फ्लिक्ट को खत्म कर सके, पावर जो है वो डेमोक्रेसी को मेंटेन करके रख सके। क्यों भाई? क्योंकि हमारे पास बहुत डाइवर्स ग्रुप है, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है, और हर किसी को ये हक होना चाहिए कि वो अपनी लड़ाई लड़ सके, वो पब्लिक में अपना आवाज उठा सके। सरकार हर एक इंसान के लिए एक जैसा पॉलिसी लाए, है कि नहीं? तो इट फॉलोज दैट, तो यहां से हुआ कि डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पावर है ना वो जनता के बीच में बांटिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बांटिए। अब मॉडर्न डेमोक्रेसी में हम लोग यही देखते हैं। तो टोटल चार तरीके से पावर शेयरिंग को यहाँ पे पढ़ना है हमें, जिसमें पहला तरीका है पावर शेयरिंग का कि पावर को गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन में बांटा जाए। जैसे हमारा ऑर्गन होता है ना हाथ पैर लंग्स लीवर किडनी, तो उसी तरह गवर्नमेंट का भी ऑर्गन है। गवर्नमेंट का तीन ऑर्गन है, एक जो कानून बनाएगा लेजिस्लेचर, दूसरा जो कानून को लागू करेगा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जो कानून को मेंटेन करेगा जुडिशरी। तो देश में पीस बनाए रखना, देश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना, ये किसका काम है? जुडिशरी का। देश में कानून को लागू करना ये किसका काम है? एग्जीक्यूटिव का। और देश में कानून को बनाना ये किसका काम है? लेजिस्लेचर का। तो कानून बनाते हैं एमपी एमएलए लोग, है ना, पंचायत के मेंबर लोग। एग्जीक्यूट कौन करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं आपके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। और एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? आपके ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस। तो जिसको भी पावर है साइन करने का कि साइन करके किसी भी कानून को लागू कर दिया, या फिर जैसे पुलिस क्या करता है, पुलिस पुलिस को ऑर्डर मिला कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करना है, कानून बना हुआ है, तो हर एक आदमी को पकड़ पकड़ के उसको फॉलो करवाता है। ट्रैफिक में भी देखो, ट्रैफिक पुलिस भी वही काम करता है ना, रूल फॉलो करवाता है। तो ये सब किस लिए है? ये सब है एग्जीक्यूटिव लोग कानून को लागू करने के लिए, कोई कानून का उल्लंघन ना करे। तो इस तरह का जो पावर शेयरिंग होता है ना, जहां पर गवर्नमेंट के ऑर्गन में पावर को बांटा जाता है, इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि भले ही गवर्नमेंट का अलग अलग ऑर्गन है, लेकिन सबको एक बराबर रखा जाता है, सबको एक बराबर रखा जाता है। भले ही सबका पावर अलग अलग है, सबका अलग अलग ऑर्गन है गवर्नमेंट का, लेकिन सबको एक लेवल पर पावर को बांटा जाता है, एक लेवल पर रखा जाता है। तो इस तरह का जो सिपरेशन होता है, जहां पे सबको एक लेवल पर रखा जाए, ऑर्गन में पावर को बांटा जाए, है ना, तो इसलिए किया जाता है ताकि गवर्नमेंट के किसी एक ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर ना हो जाए और दूसरा ऑर्गन बेचारा मुंह ना ताकता रह जाए। मतलब पावर शेयरिंग हम इसलिए करते हैं ताकि ऐसा ना हो कि सारा पावर कोई एक के ऑर्गन जो है गवर्नमेंट का वही अपने पास रखे, इस तरह का सिचुएशन ना हो। इस तरह इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पावर को सेपरेट कर देते हैं, और हर ऑर्गन जो है ना वो दूसरों को चेक एंड बैलेंस करेगा। इसको क्या कहते हैं? बैलेंस, चेक एंड बैलेंस। हर ऑर्गन एक दूसरे का काम देखेगा। जैसे देखो, कानून जो बनाता है लेजिस्लेचर, इसके इसके काम को कौन देखता है? जुडिशरी देखता है ना, कि कहीं गलत तो नहीं बनाया है, इसीलिए जुडिशियल रिव्यू होता है। उसके बाद आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कानून को जो मेंटेन करता है एग्जीक्यूटिव, तो अगर ई गलती करेगा तो इसको कौन लेके जाएगा? जुडिशरी वाला, है ना, केस चलेगा उस पर। लेकिन अगर जुडिशरी वाला गलती करेगा तो कौन लेके जाएगा उसको? तो लेजिस्लेचर लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा? लेजिस्लेचर। तो एमपी एमएलए यानी कि पार्लियामेंट में जाकर या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर इम्पीचमेंट होगा अगर कोई जुडिशरी का आदमी कोई किसी तरह का कह सकते हैं कन्फ्लिक्ट करे, या कोई अपने पावर का ओवर यूज करे, ओवर इस्तेमाल करे, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि पार्लियामेंट में स्टेट असेंबली में
जितने भी पावर है उनको एक्सरसाइज करने का जिम्मा किसको दिया जाता है, मिनिस्टर लोग को, गवर्नमेंट को, कि भैया आराम से पावर को शेयर करते हैं हम लोग, ताकि हम लोग क्या कर सके, एक साथ मिलकर रह सके और डेमोक्रेसी अच्छे से रन कर सके। और जो जजेस है ना, इनको कौन अपॉइंट करता है, एग्जीक्यूटिव। जज को कौन अपॉइंट करता है, एग्जीक्यूटिव। जज को कौन अपॉइंट करता है, एग्जीक्यूटिव। उसके बाद अब देखो जो लेजिस्लेचर है ना, लेजिस्लेचर है या एग्जीक्यूटिव है, ये लोग क्या करते हैं, दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। तो जो लेजिस्लेटिव है, जो एग्जीक्यूटिव है, ये लोग जज को अपॉइंट करते हैं अपना, या रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं। तो जज भी क्या करता है कि अगर कभी केस आता है किसी एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट कि भैया ऐसा ऐसा कानून था, ये एग्जीक्यूटिव लोग साइन करके पास कर दिया, कोई भी बिल था उसको कानून बना दिया, तब जुडिशियल रिव्यू में लेगा, जुडिशरी उसको देखेगा कि सही है गलत है, सही होगा तो ठीक है छोड़ देगा, वो भी आगे पास कर देगा एक्ट को, अगर गलत होगा तो फिर वार्निंग करेगा पार्लियामेंट को कि नहीं इसको सुधारिए, ऐसा नहीं होगा। तो इसको हम चेक एंड बैलेंस का सिस्टम कहते हैं, क्योंकि हर एक ऑर्गन एक दूसरे को चेक करता है, कंट्रोल करके रखता है। तो पहला वाला पावर शेयरिंग में कोई डाउट है तो बताइए, एक मिनट का टाइम है आपके पास। चलिए कोई डाउट नहीं है, तो अब सेकेंड वाला जो पावर शेयरिंग का फॉर्म है उसको पढ़ते हैं। देखिए एक तो हो गया हॉरिजॉन्टल तरीके से पावर को बांटना, अब दूसरा है कि पावर को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर बांटेंगे। इस बार भी पावर को गवर्नमेंट में ही बांटेंगे, लेकिन पावर को अलग अलग लेवल पर बांटेंगे। उसमें क्या किया था कि पावर को अलग अलग ऑर्गन में बांटा था, पावर को देखो अलग अलग ऑर्गन में बांटा था, और इस बार क्या करेंगे, पावर को अलग अलग लेवल पर बांटेंगे। जैसे जैसे कि देखो, इंटायर कंट्री के लिए एक जनरल गवर्नमेंट होता है, ठीक है, उसके बाद प्रोविंशियल और रीजनल लेवल पर भी एक गवर्नमेंट होता है। तो जो पूरे देश के लिए गवर्नमेंट होता है ना, जिसको जनरल गवर्नमेंट कहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, फेडरल गवर्नमेंट। क्या कहेंगे, फेडरल गवर्नमेंट। इंडिया में इसको सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है। इंडिया में क्या कहा जाता है, इसको सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट, ठीक। और जो प्रोविंशियल या रीजनल लेवल का बात किया ना हम लोग, तो अलग अलग देश में इनका अलग अलग नाम है, हमारे यहाँ इनको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, और बाकी अलग अलग जगह पर इनका अलग अलग नाम है। देखो है ना लिखा हुआ कि इंडिया में इनको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, तो इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट, और प्रोविंशियल या रीजनल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। हालांकि ऐसा जो सिस्टम है ये दुनिया में हर देश में नहीं है, बहुत सारा कंट्री ऐसा भी है जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई भी स्टेट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं है, है ना। लेकिन इन दोस कंट्रीज लाइक आवर्स, जहां पर डिफरेंट लेवल के आपको गवर्नमेंट दिखेंगे, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ साफ हर एक लेवल के गवर्नमेंट का पावर मेंशन किया हुआ है। तो गवर्नमेंट का जो पावर है इसको कौन मेंशन करता है, कहां लिखा हुआ है, तो संविधान में लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है। This is what they did in Belgium. Belgium में भी यही हुआ था, लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ था। तो ऐसा जो पावर है ना, जो अलग अलग लेवल पर बांट दिया जाए, ऐसे पावर को हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। यानी कि जो आपका जो पावर है वो हायर से लोअर में बांटा जाएगा, पावर जो है गवर्नमेंट का वो हायर से लोअर में डिवाइड किया जाएगा। अब और भी लोअर लेवल का गवर्नमेंट आता है,
जैसे कि शहर के लिए जो गवर्नमेंट होता है वो होता है म्युनिसिपैलिटी, और गांव के लिए जो गवर्नमेंट बनता है वो होता है पंचायत। इसको हम कहते हैं लोकल लेवल का गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट कहते हैं? लोकल लेवल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट या लोकल लेवल गवर्नमेंट दोनों नाम है, ठीक है। और इसको एक और नाम से जानते हैं हम, एक तो फेडरल डिवीजन ऑफ पावर हो गया, दूसरा हो गया वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। दूसरा क्या हो गया? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। तो दूसरा वाला पार्ट खत्म। गवर्नमेंट वही पावर बांटेंगे, लेकिन इस बार अलग अलग लेवल पर बांटेंगे। तो एक तो पूरे देश के लिए होता है जिसको जनरल गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। एक तो स्टेट के लिए होता है उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहते हैं। तो जो जनरल गवर्नमेंट है ना, जो पूरे देश के लिए है, उसको फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। और हमारे भारत में, हमारे देश में, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। और जो प्रोविंशियल या रीजनल गवर्नमेंट होता है हमारे इंडिया में, उसको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। हमारे इंडिया में एक और लेवल का गवर्नमेंट है, जैसे शहर के लिए म्युनिसिपैलिटी और गांव के लिए है पंचायत। तो ये था सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अब थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पर आते हैं। सोशल ग्रुप क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो इस बार जो पावर को बांटेंगे ना, वो अलग अलग सोशल ग्रुप में बांटेंगे। तो सोसाइटी रिलीजन के बेसिस पर भी बनता है, सोसाइटी लैंग्वेज के बेसिस पर भी बनता है। तो ऐसे ही सोशल ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी गवर्नमेंट। जैसे बेल्जियम का एग्जांपल लीजिए, बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट था ना, लैंग्वेज के बेसिस पर बना हुआ सोशल ग्रुप। जैसे डच कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट, जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। तो कई सारे कंट्रीज में आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि जो वीकर सेक्शन है, जो विमेन है, इनको भी मौका दिया जाता है कि भैया आप भी कानून बनाने में आके हेल्प कीजिए, आप भी गवर्नमेंट चलाने में आके हेल्प कीजिए, है कि नहीं। तो इनके लिए सीट को रिजर्व किया जाता है। सीट मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी, सीट मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। तो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होता है, रिजर्व्ड सीट जो होता है, वुमेन लोग के लिए या वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व कर दिया जाता है, ठीक। तो ये अरेंजमेंट इसलिए किया गया ताकि जो डाइवर्सिटी है हमारी, जो अलग अलग जो सोशल ग्रुप है हमारा, ये अपने आप को गवर्नमेंट से अलग फील ना करे, ये भी सोचे कि हाँ भाई गवर्नमेंट हमारा भी है। तब ना हमको भी मौका दिया है गवर्नमेंट बनाने का, हमको भी मौका दिया कानून बनाने का, हमको भी मौका दिया है देश को चलाने का, ठीक है। तो गवर्नमेंट से अपने आप को, गवर्नमेंट से अपने आप को अलग फील ना करे, इसके लिए भी हमने, हमारे भारत ने पावर शेयरिंग को बनाया है। तो ये था तीसरा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जहां पर हम पावर शेयरिंग करते हैं सोशल ग्रुप को, सोशल ग्रुप को, ताकि कोई भी अपने आप को गवर्नमेंट से अलग महसूस ना करे। अब आता है चौथा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जो कि आखिरी फॉर्म है पावर शेयरिंग का। तो चौथा फॉर्म है पावर शेयरिंग का कि पावर शेयरिंग हम कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, प्रेशर ग्रुप्स में और मूवमेंट्स में। जैसे हमारे डेमोक्रेसी में देखोगे ना, तो जनता को पूरा आजादी है कि भैया जो पावर है ना, पावर, तो फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स, आपको आपको पूरा राइट है, आपको पूरा आजादी है कि आप देखिए कि आप पावर किसके हाथ में दे रहे हैं। यानी कि सरकार चुनने का अधिकार आपके हाथ में है, आपके हाथ में ये चीज है कि आप किसको पावर देंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ देखोगे, मतलब जितना भी डेमोक्रेसी देखोगे, तो वहां पर इस चीज को एक कॉम्पिटिशन के तौर पर देखा जाता है। तो अलग अलग पार्टियां जो है आपस में कॉम्पिटिशन करता है कि हम अच्छे हैं तो जनता हमको चुने, हम अच्छे तो जनता हमको चुने। और जनता इसी बेसिस पर डिसाइड करती है कि किसको पावर देना है, यानी कि किसको वोट में जिताना है या किसको वोट में नहीं जिताना है। ये कौन डिसाइड करता है? जनता, ठीक है। और क्या लिखा है? लॉन्ग रन में पावर को शेयर किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज में। आप देखो, कैंडिडेट के नाम पे वोट नहीं मिलता है, वोट किसके नाम पे मिलता है? पार्टी के नाम पे। कोई इसलिए वोट नहीं देने जाता है कि हम किसी कैंडिडेट, आप देखोगे ना तो पूछ लो, किसी को सही से एमएलए का नाम नहीं पता होगा, मेयर का नाम नहीं पता होगा, अपने वार्ड के काउंसिलर का नाम नहीं पता होगा, लेकिन ये जरूर पता होगा कि कौन सा पार्टी को वोट देकर आया। लोग सिंबल देख के पार्टी का वोट करता है, समझे। तो पार्टी में पार्टी लोग को पावर दिया गया है। कैसा पावर? कि भैया आप अपना कैंडिडेट को सिंबल दीजिए, इस तरह का, ठीक है। उसके बाद
पार्टी जो है वो अपना अपना आइडियोलॉजी बताता है जनता को, अपना अपना आइडियोलॉजी बताता है कि देखिए हम क्या क्या काम करेंगे अगर आप हमको जिताएंगे, है ना। अब कई जगह पर ऐसा होता है, कई जगह पर ऐसा होता है कि गवर्नमेंट अकेले नहीं जीत पाता है, अकेले सब सोशल ग्रुप को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट बोल रहा हूँ सॉरी, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है अगर अकेले नहीं ना जीत पाता है तो दूसरा पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ जाता है। तो जुड़ जाता है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, अलायंस बना लेना। क्या कहेंगे, अलायंस बना लेना। जैसे कि हम है ना यहाँ पे, तो हम एक तो पॉलिटिकल पार्टी से है, एक दूसरा आदमी है दूसरा पॉलिटिकल पार्टी से है। अब जीत के लिए चाहिए था 80 सीट लेकिन मेरे पास 60 ही है, ये बंदा के पास 30 सीट है मान लो, तो मेरे पास 60 है जीतने के लिए 80 चाहिए, तो हम दोनों आपस में दोस्ती कर लेंगे, यानी क्या बना लेंगे, अलायंस। तो अब हम दोनों मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे, तो ऐसा गवर्नमेंट जहां पर अलायंस जो है वो जीते इलेक्शन को, तो ऐसा गवर्नमेंट को हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। क्या कहते हैं ऐसे गवर्नमेंट को हम, कोलिशन गवर्नमेंट। क्या कहते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। अब डेमोक्रेसी में आपको कई तरह का इंटरेस्ट ग्रुप दिखेगा। इंटरेस्ट ग्रुप कहने का मतलब जो सिर्फ अपने लिए गवर्नमेंट से डिमांड करेगा, जैसे कि ट्रेडर्स लोग। ट्रेडर्स लोग को क्या मतलब है भाई, कि पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको क्या मतलब रहेगा कि ट्रेड अच्छे से होना चाहिए। तो एक तो इंटरेस्ट ग्रुप ट्रेडर हो गया, दूसरा बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन को कोई फर्क पड़ेगा कि कोई आदमी बीमार है कि नहीं है, उसको क्या फर्क पड़ रहा है कि वो हॉस्पिटल खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। बिजनेसमैन को अपना बिजनेस से मतलब रहता है, ठीक है। इंडस्ट्रियलिस्ट, अब इंडस्ट्रियलिस्ट को ही थोड़ी ना मतलब है कि कौन वर्कर का तबीयत खराब है किसका तबीयत अच्छा है, उसका इंडस्ट्री चल रहा है पैसा आ रहा है उसको इससे मतलब है। तो ये सब इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं जो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो दो चीज हमने देखा इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में, कि अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, और दूसरा दूसरों के मामले में जाकर धरना डालना ये सब काम नहीं करते हैं। अच्छा, ये लोग कैसे गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाता है, कैसे गवर्नमेंट से अपना बात मनवाता है, तो या तो दे ऑल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंटल पावर आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमिटीज, या तो डायरेक्ट खुद गवर्नमेंट का एक हिस्सा बन जाएगा ये इंटरेस्ट ग्रुप, नहीं तो गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्फ्लुएंस डालेगा। जैसे देखो कोई कानून आया ट्रेडर्स के लिए कि भैया आज से 50% टैक्स आपको भरना है, आप जितना भी कमाएंगे उस पे, तो ट्रेडर्स लोग क्या किया, विरोध किया। तो ये विरोध कर रहा, तो ये राइट इसको कहां से मिला, डेमोक्रेसी से मिला। डेमोक्रेसी नहीं मिलता तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाता, कभी नहीं, ठीक है। तो या तो डायरेक्ट गवर्नमेंट में रहकर चीजों को सुधारे, या फिर गवर्नमेंट के सामने अपना बात रखे, या फिर अपना प्रोटेस्ट करके या मूवमेंट करके। देखो अगर कम लोग धरना डाल रहे ना, कम लोग एजिटेशन कर रहे हैं, एजिटेशन मतलब विरोध कम लोग कर रहे हैं, तो उसको प्रोटेस्ट कहते हैं। कम जगह पर हो रहा है, कम लोग कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट। ज्यादा जगह पर अगर एजिटेशन हो रहा है, धरना डाला जा रहा है और ढेर सारे लोग मिलकर कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग मूवमेंट। क्या कहते हैं, मूवमेंट। तो पावर शेयरिंग कितना तरीके से होता है ये हमने देख लिया, चार तरीका हमने देखा। एक में गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन में पावर को बांटा, दूसरे में गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल पे पावर को बांटा, तीसरे में जो हमारा सोसाइटी है समाज है उसमें पावर को बांट दिया, और चौथे में पावर को हमने बांटा पार्टियों में, पॉलिटिकल पार्टियों में। उसके बाद पावर को हमने बांटा इंटरेस्ट ग्रुप में, उसके बाद हमने पावर को बांटा प्रेशर ग्रुप में, ठीक है। तो ये था फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग जो कि हमने पढ़ कर कंप्लीट कर दिया। तो चैप्टर का रिविजन हो चुका है खत्म, कल हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे ओसवाल के बुक से। कल हम लोग किसके बुक से डिस्कशन करेंगे, ओसवाल से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप लोग का क्या काम रहेगा कि आप ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है इसको याद से अच्छे से बना लीजिए, और दो लेक्चर में खत्म हो गया आपका रिवीजन, तो दोनों लेक्चर को अच्छे से आप देखिए, जितना बार हो सके इस चैप्टर को एकदम रिवीजन करते चले जाइए, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका डाउट इसमें क्लियर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।